हेलो गाइस, वेलकम टू द एपिसोड नंबर 16 ऑफ इंडियन ईकॉम सीरीज। आज के एपिसोड में मैं आपको फेसबुक एड्स डिटेल में बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं आज मेरा स्ट्रेटेजी शेयर नहीं करूँगा, मेरा स्ट्रेटेजी मैं 17th एपिसोड में सिलेक्ट करूँगा, मतलब नेक्स्ट एपिसोड में। लेकिन आज मैं आपको ये काफ़ी चीज़ें फेसबुक एड्स की डिटेल में बताने वाला हूँ, कैंपेन एडसेट एड्स क्या होते हैं और साथ ही साथ उसे किस तरह से लगाना चाहिए, ठीक है, वो चीज़ में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कौन सा जो भी अंदर जो भी डिटेल में जो बॉक्सेस होते हैं, कोई चेक करना होता है, किसी को अनचेक करना होता है, तो उसका मीनिंग क्या होता है, कब आप चेक करने से क्या होता है, अनचेक करने से क्या होता है, कोई ऑप्शन सिलेक्ट करने से क्या होता है, वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी है और इंटरमीडिएट लेवल वालों के लिए भी है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखना, ठीक है। और अगर से आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और इंडियन ईकॉम का पूरा प्लेलिस्ट भी ज़रूर देखना। देखो यार, सबसे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने इंडियन ईकॉम जो है वो चालू किया था मई में ही, मैंने आपको बताया था मई 2020 से चालू किया था, तो तब से तो आज तक का ही मेरा फेसबुक एड्स का एक्सपीरियंस है। ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस नहीं मुझे, लेकिन जितना आता है उतना ज़रूर आप लोगों के साथ मैं डिटेल में शेयर करूँगा। मैंने आज तक डिटेल में ही सारी चीज़ें शेयर की है, ठीक है। और आगे मैं जैसे जैसे ये बिजनेस करता रहूँगा, नई नई चीज़ें सीखता रहूँगा, कि मैं फेसबुक एड्स में बहुत से नए नए चीज़ें ट्राई करते रहता हूँ अभी, तो उससे भी मुझे जो जो चीज़ें सीखने को मिलेंगी वैसे मैं अपडेट्स लाते रहूँगा, अपडेटेड वीडियो लाते रहूँगा, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड मी, एंड अभी चलते हमारे सीधा लैपटॉप। तो सबसे पहले आपको आपका एड अकाउंट खोलना है, फिर इन डॉट्स पे क्लिक करने के बाद में आपको एड मैनेजर पे क्लिक करना होगा, तो आपके सामने इस तरह का एक पैनल खुलेगा, ठीक है। तो मैं बिगनर्स के लिए बता दूं कि ये जो कैंपेन होता है, एडसेट होता है और एड्स होता है, ये क्या होता है, ठीक है। कैंपेन मतलब एक सबसे फर्स्ट इनिशियल स्टेज होती है जहाँ पे अपन अपना बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं उस कैंपेन का, ठीक है। एक कैंपेन के अंदर कितने भी एडसेट्स आप डाल सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अपन ने 3 एडसेट डाले एक कैंपेन के अंदर, ठीक है। फिर एक एडसेट के अंदर आप कितने भी एड्स डाल सकते हो, ठीक है। एडसेट्स लेवल पे जो कैंपेन लेवल पे अपन बजट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एडसेट लेवल पे जो होता है अपन इंटरेस्ट डालते हैं, एज ग्रुप डालते हैं ऑडियंस का और लोकेशन डालते हैं। बाद में जो एड लेवल होता है वहाँ पे अपना वो वीडियो डालते हैं जो अपन लोगों को दिखाने वाले हैं, वहाँ पे अपन अपना क्रिएटिव डालते हैं, अपना प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह वो चीज़ें डालते हैं, ठीक है। तो उसका ही मीनिंग होता है ये सारी चीज़ें कैंपेन एडसेट और एड्स का। तो अभी नया कैंपेन अपन लगाते हैं हर बार अपना प्रोडक्ट को मार्केट में दिखाने के लिए लोगों को, तो वो कैसे लगाते हैं, अपन सबसे पहले क्रिएट पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अभी चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, अपना ऑब्जेक्टिव होता है कन्वर्जन का, तो मैं आपको इसका ही डिटेल बताने वाला हूँ। कन्वर्जन मतलब अपने को वहाँ से सेल चाहिए, परचेज चाहिए कस्टमर से, इसलिए अपन उस पर क्लिक करते हैं। फिर तो इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, इसको कैंपेन का नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैं डोरी चॉपर के अगर से ऐड चला रहा हूँ, ठीक है। डोरी चॉपर एक प्रोडक्ट था बीच में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हेयर स्ट्रेटनर ले लेते हैं, हेयर स्ट्रेटनर, ठीक है, स्ट्रेटनर। और इसको मैं CBO चलाने वाला हूँ, ठीक है। तो कैंपेन बजट CBO का लॉन्ग फॉर्म होता है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। तो CBO मतलब अपन कैंपेन को ही एक बजट दे देते हैं, फॉर एग्जांपल 1000 का अपन उसको बजट दिया, उसके अंदर 4 एडसेट डाले, तो वो अभी खुद फेसबुक डिसाइड करेगा कि कौन से एडसेट पे उसको ज़्यादा पैसा खर्च करना है। उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू वो खुद डिसाइड करेगा कि उसको कौन से एडसेट पे ज़्यादा पैसा खर्च करना है और कौन से एडसेट आपको बेस्ट रिजल्ट दे रहे हैं उस पर ही वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। तो CBO ही इंडिया में चलाना मैं सजेस्ट करता हूँ और वही मैं भी चलाता हूँ, तो बस अब इसलिए मैंने उसको नाम दिया अभी कि हेयर स्ट्रेटनर CBO, ठीक है। फिर इसको नेक्स्ट करेंगे, बाकी के नेम्स अपन आगे देंगे, ठीक है। अभी हर एक चीज़ डिटेल में समझते हैं दोस्तों। देखो अभी ये नाम दे दिया, ठीक है। स्पेशल एड कैटेगरीज जो होता है ये ऑन या ऑफ रखना होता है, लेकिन ये अपन कन्वर्जन के केस में इसको ऑफ रखते हैं। इसको ये जो होता है ये जो एड सेट होती है, जो कैंपेन होता है, यूजुअली सोशल इश्यूज़, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स के जब एड्स लगाते हैं तो उसके लिए करना पड़ता है, और इसके लिए अपने को अपना बिजनेस मैनेजर भी वेरीफाइड कराना पड़ता है, ठीक है। तो इसका अपने को इस केस में नेसेसरी नहीं है। फिर कैंपेन डिटेल्स में यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन दिखते हैं बाइंग टाइप में, ऑप्शन एक सेकंड, यहाँ पे एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो ऑक्शन ही रहने देना है, वैसे तो दो दिखते हैं मेरे को, एक अकाउंट में मेरे इसमें दो दिखे थे, ठीक है, लेकिन अभी ऑक्शन है तो ऑक्शन ही रहने देना है, ठीक है। उसके बाद में कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव अपन ने सिलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग में, जिसको कन्वर्जेंस ही रहने देना है। शो मोर ऑप्शंस में आपके कैंपेन का एक स्पेंडिंग लिमिट डिसाइड कर सकते हो कि कितना मैक्सिमम उसने खर्च करना चाहिए, 2000, 10000 जितना भी है। मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगा, इसको हमेशा ऑफ ही रखना होगा, ठीक है। AB टेस्ट मतलब क्या होता है कि ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यार, मुझे अभी अभी पता चला है, मैंने कल इसके बारे में थोड़ा आपको बताया जैसे मैं वीडियो बनाने वाला था तो आपके लिए कुछ रिसर्च की, तो कल मुझे AB टेस्ट के बारे में पहले से पता था, लेकिन अभी थोड़ा सा और डिटेल में देखा तो AB टेस्ट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है यार, मैं इसको करने वाला हूँ टेस्ट अभी। मेरा जो नेक्स्ट मैं नया स्टोर खोलने वाला हूँ तो उसमें मैं इस ऑप्शन को टेस्ट करने वाला हूँ। इसमें ऐसा होता है कि देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप एक ही कैंपेन में अपने अभी 3 एडसेट लगाए, ठीक है, लेकिन अभी कोई भी एक एडसेट को पकड़ लो। एक एडसेट में आपने एक ऑडियंस सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, कुछ उनका एज ग्रुप वगैरह सिलेक्ट किया, फिर एटीट्यूड सिलेक्ट किया। अब जब आप AB टेस्ट करते हो तो आप उसी मतलब क्या बताओ कि उसी कैंपेन में जो वही एक ही जो एडसेट है ना
उसमें ही आप अभी उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक में आप समझ लो आपने कुछ एज ग्रुप डाला है 18 to 24, अब नेक्स्ट इसमें आप डालोगे 24 to 30, तो आप यहाँ पे एज ग्रुप को टेस्ट कर रहे हो कि कौन सा एज ग्रुप आपके लिए बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। और उसका लेकिन एक होता है कि उसमें आपको बजट हाई रखना होगा, ये भी टेस्ट के वक्त में थोड़ा सा बजट 1000 का अगर यूजुअली लगाते हो तो उसको 1500 या 2000 का रखना होगा ताकि उसको सफिशियंट बजट मिले दोनों चीज़ों में टेस्ट करने के लिए, ठीक है, बजट हाई रखना होगा। लेकिन एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे, क्योंकि ए बी टेस्ट मुझे अच्छी लगी, मैं अभी उसको यूज़ करने ही वाला हूँ, अगर से मेरे को कुछ रिजल्ट मिलते हैं जरूर मैं आपके लिए उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा कि ए बी टेस्ट कैसे करते हैं ना वो सारी चीज़ें। कुछ नहीं, गेट स्टार्टर पे क्लिक करना होता है, सिंपल अपना कैंपेन सेट करना होता है, लास्ट में पब्लिश करने के बाद मैं आपको ऑप्शन देगा कि आपको ए में तो आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको क्या क्या चाहिए, बी ऑप्शन में आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ लोकेशन चेंज किया, या फिर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ एज ग्रुप चेंज किया, जेंडर चेंज किया, एक इसमें मेल और फीमेल को दोनों को टेस्ट किया, दूसरे इसमें आपने सिर्फ मेल को टेस्ट किया, फिर सिर्फ फीमेल को टेस्ट किया, ठीक, इस तरह से होता है। तो ए बी टेस्ट भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अपन उसको अभी देखते नहीं है। फिर सी बी ओ, जैसे मैंने बताया कि वो कैंपेन ही डिसाइड करेंगे कि उसको कौन से एड्स पे पैसे खर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे आप डेली बजट रख सकते हो, लाइफ टाइम बजट भी रख सकते हो, डेली बजट ही रखना है। यूजुअली मैं 500 to 1000 का रखता हूँ, अपन 500 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको एड्स लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं कल जो एक एपिसोड लाऊंगा एपिसोड 17, उसमें मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से ऐड लगाता हूँ, ये मैं सिर्फ आपको डिटेल में हर एक चीज़ समझा रहा हूँ, ठीक है। फिर अभी ये जो बिड स्ट्रेटेजी होती है यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे ये अभी नया अकाउंट है इसलिए मिनिमम रोएस का खुला हुआ नहीं है, ठीक है। लोएस्ट कॉस्ट अपन हमेशा रखते हैं, यहाँ पे कभी कभी मेरे ख्याल से मैक्सिमम और लोएस्ट कॉस्ट का भी ऑप्शन आता है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट कॉस्ट का ऑप्शन आता है तो वो भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो लोएस्ट कॉस्ट हमेशा रखते हैं कि लोएस्ट कॉस्ट में ही अपने को मैक्सिमम रिजल्ट दे दे, बाकी कॉस्ट कैप मतलब कंट्रोल लगा हुआ है ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। बिड कैप मतलब आप एक बिड दे सकते हो कि मैक्सिमम मुझे इस एडसेट पे इतना ही पैसा खर्च करना है, उसके ऊपर उसने खर्चा नहीं करना चाहिए। मिनिमम रोएस काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा मुझे, ये मुझे अभी अभी दिखा है एक्चुअली। तो मिनिमम रोएस मैं जो ऑलरेडी एड अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ उसमें आ चुका है मेरे को ऑप्शन। एक बार जब आपका कुछ कैंपेन्स रन हो जाए, कुछ रिजल्ट्स आ जाए, तो मिनिमम रोएस का ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि मिनिमम रोएस 4 डाल सकते हो और वो आपको ट्राई करेगा कि वो 4 का ही रोएस में आपको रिजल्ट्स दिया या फिर उसके ऊपर ही रिजल्ट्स दे, उसके नीचे नहीं आएगा वो, ठीक है। ये भी आप भी ट्राई करके देखना, मैं भी ट्राई करके देखूंगा, जब अगर से मुझको इसमें रिजल्ट आए तो मैं आपको जरूर इसमें बताऊंगा। टारगेट कॉस्ट मतलब एक आप परचेस का एक टारगेट एक कॉस्ट रख दोगे कि मुझे 100 रुपीज़ में रिजल्ट चाहिए, फिर 150 में चाहिए, 20 में चाहिए, जितना भी आपका एक हो वो आप डाल सकते हो पर परचेस का, ठीक है। आप इसको लोएस्ट कॉस्ट रखते हैं, अभी शो मोर ऑप्शंस में देखते हैं। यहाँ पे रन एड्स ऑल द टाइम ही रखना है अपने को और नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ पैनल होता है, यहाँ पे आपको दिखता है कि कितने ऑडियंस तक आपका ऐड पहुँचने वाला है, ठीक है। देखिए ये 350 यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतने ऑडियंस तक आपका ऐड पहुँच सकता है ऐसे बताते हैं वो लोग, ठीक है। अभी यहाँ पे आपका एडसेट का नेम देना है, जैसे अपना हेयर स्ट्रेटनर का है, तो यहाँ पे मैं यूजुअली मेरा जो मैं इंटरेस्ट डालता हूँ वो मैं यहाँ पे नेम देता हूँ। तो अभी बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट को ही सिलेक्ट करना है क्योंकि अपन लोगों को वेबसाइट पर ही बेचने वाले हैं, या फिर ऐप हो तो ऐप पर बेच सकते हो, या फिर आपको मैसेंजर में मतलब वो आपको मैसेज डालेंगे तो वो भी आप ऐड चला सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर भी ऐड चला सकते हो, ठीक है। यहाँ से आपको आपका पिक्सल इवेंट सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे देखिए अभी तो मेरा वो पिक्सल मैंने ऑलरेडी स्टोर क्लोज कर दिया था, मैंने आपको बताया था परफेक्टली क्लोज किया था करके। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको नीचे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे। उसमें से एक परचेस ऑप्शन होगा, वो आपको सिलेक्ट करना होगा। वो अगर से स्टार्टिंग में रेड डॉट भी होगा वहाँ पे तो भी आपको उसको सिलेक्ट करना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। उसमें पिक्स डेटा नहीं है इसलिए वो रेड दिखाता है, लेकिन वो कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो परचेस आपको सिलेक्ट करना होगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे परचेस आ जाएगा। उसके बाद में डायनेमिक क्रिएटिव क्या होता है, तो जब आप इसको ऑन करते हो, इसको मैं हमेशा ऑफ ही रखता हूँ लेकिन बता देता हूँ कि क्या होता है। जब आप इसको ऑन करते हो तो जब आप एड लेवल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको वो कुछ इमेजेस या फिर वीडियोस डालने को बोलेगा और वो खुद से ही उसके हिसाब से उस इमेजेस को और वीडियोस को इन ऑर्डर में क्रिएट कर देगा। एक क्रिएटिव एक वीडियो या फिर एक इमेज कैरोसेल आपके लिए क्रिएट कर देगा और वही वो ऑडियंस के सामने प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इसको हमेशा ऑफ ही रखना है, लेकिन बता दिया कि क्या था करके। ऑफर्स भी आप कर सकते हो, कुछ ऑफर देना हो आपको तो यहाँ पे ऑफर भी लगा सकते हो आप, लेकिन ये भी अपना ऑफ ही रखते हैं। आपको कैंपेन कब से स्टार्ट करना है वो यहाँ पे डाल सकते हो और यहाँ पे भी टाइम डाल सकते हो, ठीक है। जैसे अभी 2 है तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 3 कर देता हूँ और टाइम मैं यूजुअली हमेशा 12 बजे ही मेरा ऐड चालू करता हूँ, तो एक डाल देता हूँ, ठीक है। फिर आपको अगर उसको एंड डेट देना है, इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ पे एंड डेट भी दे सकते हो, लेकिन एंड डेट हमेशा नहीं देना है, ठीक है। शो मोर ऑप्शंस देखते हैं कि एडसेट स्पेंड लिमिट्स कितना होना चाहिए, ठीक है। ये एडसेट का कितना स्पेंड लिमिट होना चाहिए वो आप मिनिमम या फिर मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकते हो। ये एक ठीक ठाक ऑप्शन है, ट्राई करना हो तो कर लो, मैंने कभी ट्राई नहीं किया। इसमें ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल एक कैंपेन में अपने 3 एडसेट डाले और हर एक एडसेट को आपने मिनिमम दे दिया कि 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़, तो वो करेगा कि हर कैंपेन पे हर एडसेट पे वो 100 रुपीज़ खर्च करने ही वाला है, हर तीनों एडसेट पे वो 100 रुपीज़ खर्च करने वाला है।
फिर उसके बाद में वो जो भी बेस्ट दे रहा है उस पर ज़्यादा पैसे खर्च करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है, इसको अपने को ऑफ ही रखना है, मैं ऑफ ही रखता हूँ। फिर यहाँ पर कस्टम ऑडियंस होता है, ये तब काम में आता है आपके जब आपका मतलब काफ़ी परचेस हो चुका हो, काफ़ी रिजल्ट्स आपको आ चुके हो वेबसाइट पे, उसके बाद में ही आपको चीज़ काम में आएंगी, उसके पहले इनिशियल लेवल पे काम में नहीं आएंगी। आप यहाँ पे बेसिकली आपके जो वेबसाइट पे लोग आके गए हैं या फिर जिन्होंने परचेस किया, जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया, जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट किया, उनका एक कस्टम ऑडियंस बना के यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हो, उनका लुक अलाइक वगैरह भी आप बना के वो ऑडियंस में बना के यहाँ पे उनका ऑडियंस दे सकते हो। यहाँ पे लोकेशन होता है, ठीक है, तो ये लोकेशन अपन समझ लो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन डालेंगे यूनाइटेड स्टेट्स, फॉर एग्जांपल बता दो, ठीक है। तो आप यहाँ से कुछ लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, अपन ने इंडिया ऑलरेडी दिया हुआ, इन डिफ़ॉल्ट इंडिया रहने देते हैं, इस तरह से वो करता है, ठीक है, इंडिया रहने देते हैं। यहाँ पे आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ सिटीज़ वगैरह आपको जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हो। इसमें और एक बात बता देता हूँ, यहाँ से आप अगर से ड्रॉप डाउन करो तो यहाँ पे आपको ओनली इंक्लूड सिटीज़ भी बता सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इस लिमिट कर सकते हो कि कितने लाख टू कितने मिलियन तक की आपको पॉपुलेशन वाली सिटीज़ को टारगेट करना है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो इसको अपन फ़िलहाल सिर्फ इंडिया ही रहने देते हैं, ठीक है, सॉरी फॉर दैट वॉइस, वो अच्छा था। तो अभी इसको अपन इंडिया कर दिया अपन ने, मैंने बता दिया कि कैसे करना है। फिर पीपल लिविंग इन, यहाँ पे जो ये ऑप्शंस होते हैं इसका मीनिंग ये होता है कि जो अभी उस लोकेशन पे है या फिर रिसेंटली उस लोकेशन पे थे। फॉर एग्जांपल कोई अगर से अमेरिका से आया था और वो इंडिया में कुछ टाइम के लिए था और वापस अमेरिका गया, तो उसको भी वो ऐड दिखाएंगे कि रिसेंटली इस लोकेशन में था। फिर लिविंग इन दिस लोकेशन मतलब अभी फिलहाल उसी लोकेशन में है, और रिसेंटली मतलब जो भी रिसेंटली इस लोकेशन पे उसको दिखाएंगे, और ट्रैवलिंग वालों को सिर्फ ट्रैवलिंग पे दिखाएंगे, ठीक है। तो यूजुअली इसको मैं पीपल लिविंग इन रिसेंटली इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन ही रखता हूँ, ठीक है, या फिर आप इसमें ये भी कर सकते हो कि लिविंग इन दिस लोकेशन रख सकते हो, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। फिर यहाँ पे आप एज सिलेक्ट कर सकते हो, अगर से पर्टिकुलर ऑडियंस को आपको टारगेट करना है, फॉर एग्जांपल कुछ भी 31 टू 60 तक ही आपको जो एज है लोगों की उनको ही आपको ऐड दिखाना है। जेंडर भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मेन वुमेन जो कुछ भी है वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। डिटेल टारगेट एक्सपांशन अभी यहाँ पे बताता हूँ मेन चीज़ आपको, ये हो गया। अभी यहाँ पे अपन जैसे अभी मैंने बताया कि अपन हेयर स्ट्रेटनर का देखने वाले हैं, तो फॉर एग्जांपल अभी इसमें अगर से जेंडर रखना हो तो ऑल नहीं रखेंगे, वुमेन रखेंगे हेयर स्ट्रेटनर के लिए, ठीक है, यूजुअली, लेकिन मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ऑल ही रखता हूँ अभी। फिर यहाँ पे जो अपन इंटरेस्ट डालते हैं वो हेयर स्ट्रेटनर के हिसाब से, अगर से हेयर स्ट्रेटनर अवेलेबल हो तो देखते हैं या नहीं है, हेयर स्ट्रेटनिंग अवेलेबल है अपन ये डाल सकते हैं बाद में। और यहाँ पे अब यही इंटरेस्ट वालों को वो ऐड दिखाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इंटरेस्ट डाल सकते हो। इसमें ऐसा होगा कि हेयर स्ट्रेटनिंग में जिनको इंटरेस्ट है उनको ही वो ऐड दिखाएगा फेसबुक, और ये एज ग्रुप वालों को लोकेशन में वही जो इस लोकेशन में उनको ही ऐड दिखाएगा। इस तरह से वर्क करता है, तो हेयर स्ट्रेटनिंग का वर्क करता है, ठीक है। साथ ही साथ आपको इसके रिलेटेड और देखना हो तो सजेशंस पे क्लिक करना, यहाँ पे आपको देखिए हेयर आयरन, हेयर स्टाइल वालों को भी दिखा सकते हो, हेयर केयर, हेयर ड्रायर, ये बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे आपकी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, उन्हीं इंटरेस्ट में वो ऐड दिखाएंगे, काफ़ी अच्छा ऑप्शन है फेसबुक में, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पे बताना भूल गया मैं, कुछ लोकेशंस को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, जैसे इंडिया में कुछ रिमोट लोकेशन है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट डिलीवर नहीं होगा, तो एक्सक्लूड करके जैसे लद्दाख मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो लद्दाख डाल दिया, तो लद्दाख को आप एक्सक्लूड कर देंगे, अभी लद्दाख वालों को ऐड नहीं दिखाएंगे, बाकी इंडिया में ओवरऑल इंडिया ऐड दिखाएंगे लेकिन लद्दाख को नहीं दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो। अभी ये हो गया, यहाँ पे आपको दिखाते रहते हैं कि कितना डेटा है करके, ठीक है, कितने लोगों तक पहुँचाएगा करके ऐड, ये बता दिया मैंने कैसा है। साथ ही साथ आप कुछ लोगों को एक्सक्लूड भी कर सकते हो, जैसे अपन ड्रॉप शिपिंग के केस में यूजुअली लोगों को एक्सक्लूड करते हैं, तो ड्रॉप शिपिंग डालते हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें ऐड ना दिखे ताकि वो अपना प्रोडक्ट वगैरह चुरा ना ले, अपना वो जो भी ऐड क्रिएटिव वगैरह चुरा ना ले, प्रोडक्ट चुरा ना ले और उसको रन करना चालू ना कर दे, ठीक है। तो ये अपन इसलिए कर सकते हैं, यहाँ पे शॉपिफाई वगैरह भी अपन एक्सक्लूड में डाल सकते हैं, तो उन लोगों के ऐड नहीं दिखाएगा, इनको ही दिखाएगा जिसको इनमें इंटरेस्ट हो, ठीक है। फिर ये रिच पीपल बियॉन्ड, ये एक ऑप्शन होता है, ठीक है। तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि ये इसको ऑन रखना है या ऑफ़ रखना है, देखो यार इसको ऑफ़ रखना है, ठीक है, लेकिन ऑन रखने से क्या होता है और ऑफ़ रखने से क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अगर से आप ऑन रखो तो फेसबुक क्या करेगा कि जो आपने ये इंटरेस्ट डाला है उसमें तो ऐड दिखाएगा ही दिखेगा, लेकिन वो और ट्राई करेगा कि इस इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ और भी अगर से उसको ऑडियंस मिल रहा हो तो वहाँ पे भी ऐड दिखाना चालू कर देगा, ठीक है। उसमें आपके थोड़े ज़्यादा पैसे चले जाएंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इसको ऑफ ही रखना है, ठीक है। तो वो ऐसा करता है कि जो भी इंटरेस्ट रहता है उसके रिलेटेड और कुछ ऑडियंस देखता है और उनके सामने भी ऐड पेश करने का वो ट्राई करता है। ये आपको तब ऑन रखना है जब आपका ऑडियंस बहुत कम हो, इन थाउजेंड्स हो, लाइक 80,000, 1 लाख का, अगर से आपका 1 लाख भी नहीं, अगर से 80,000, 50,000, 60,000 का ऑडियंस आ रहा हो, 10,000-12,000 का ऑडियंस आ रहा हो, यहाँ पे इतना सिर्फ बहुत कम अमाउंट दिख रहा हो, यहाँ पे 10,000-12,000, 80,000, तब आपको इसको ऑन करना है, फिर आप कर सकते हो, ठीक है।
लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्राई करना है कि इसको ऑफ ही रखें। उसके बाद में और लैंग्वेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से लोग कौन से ही, समझ लो हिंदी लैंग्वेज है तो हिंदी लैंग्वेज वालों को, हिंदी लैंग्वेज नहीं क्या यहाँ पे, ओके इंग्लिश है ठीक है, तो इंग्लिश में आप इंग्लिश ऑल कर दो और जो इंग्लिश बोलते हैं उनको ही वो दिखाएगा इस तरह से, ठीक है। लेकिन इसको अपन ऑफ ही रखेंगे। यहाँ पे आप कर सकते हो, फिर शो मोर ऑप्शन में बताता हूँ कि कनेक्शंस क्या है। और यहाँ पे देखिए ऐड अ कनेक्शन टाइप अगर से करो तो जो लोगों ने आपके पेज को लाइक किया हो उनको ही दिखाएगा, या फिर वही लोगों के फ्रेंड्स को दिखाएगा जिन्होंने पेज को लाइक किया हो, ठीक है। सॉरी, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, इसको हमेशा अपने को कुछ नहीं करना है, इसको नन ही रहने देना यार, क्योंकि ये तब करना है जब आपका पेज बहुत, आपका ब्रांड बहुत बड़ा हो जाए तब ये करना है, लेकिन अभी इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप ऑडियंस को सेव भी कर सकते हो, ये पर्टिकुलर ऑडियंस जो आपने बना के रखी है ऊपर, जो टाइप का क्राइटेरिया आपने डाल के रखा है उसको आप सेव कर सकते हो और उसको आगे कभी भी यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे और दो चीज़ें होती हैं, एक होता है ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और एक होता है मैनुअल प्लेसमेंट, ठीक है। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मतलब फेसबुक के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक का हो गया, फेसबुक का न्यूज़ फीड हो गया, फेसबुक का सर्च हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इंस्टाग्राम का एक्सप्लोर सेक्शन हो गया, इंस्टाग्राम का सर्च सॉरी इंस्टाग्राम का फीड सेक्शन हो गया, इंस्टाग्राम का स्टोरी, मैसेंजर का स्टोरी, फेसबुक के पास में जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर वो ऐड दिखाएंगे सारे जगह पे, और बेस्ट जो परफॉर्म करेंगे वहाँ पे ज़्यादा ऐड दिखाते रहेंगे। मैनुअल प्लेसमेंट में देखते हैं क्या होता है। मैनुअल प्लेसमेंट में आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे ऑडियंस नेटवर्क पे ऐड नहीं दिखाना है, मैसेंजर पे ऐड नहीं दिखाना है, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दिखाना है। फिर उसके अंदर भी आप कुछ कुछ चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे फेसबुक के सर्च बॉक्स में कोई सर्च करे तो वहाँ पे मेरा ऐड नहीं दिखाना चाहिए, आर्टिकल में नहीं दिखना चाहिए, स्ट्रीम वीडियोज़ में नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। ये ऑप्शन होते हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे और एक ऑप्शन है, ये ऑल डिवाइसेस, ठीक है। यहाँ से आप एक तो सिर्फ जो मोबाइल पर ही ऐड दिखा सकते हैं, तो डेस्कटॉप पर, मैं इसको यूजुअली ऑफ रखता हूँ, तो सिर्फ मोबाइल पर ही, क्योंकि मैक्सिमम सेल्स इंडिया में मोबाइल से ही आएंगे, ठीक है। तो मोबाइल पर भी आप दिखा सकते हो, कभी कभी आप इसको अगर से ऑटोमेटिक प्लेसमेंट करो तो दोनों दिखा देना, दोनों दिखाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये भी चीज़ है कि मोबाइल रखना है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में शो मोर ऑप्शन देखते हैं, और हाँ यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फिर मोबाइल डिवाइसेस में भी वो आपके सामने ऑप्शन खोल देंगे, सिर्फ एंड्रॉइड वालों को दिखाना है या फिर सिर्फ एप्पल वालों को दिखाना है, ठीक है। यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ओनली वेन कनेक्टेड टू वाईफाई। इसका फ़ायदा और ड्रॉबैक्स क्या क्या है वो बता देता हूँ, मतलब क्या क्या मीनिंग है वो बता देता हूँ, ठीक है। जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो यूजुअली इसका मीनिंग ऐसा पकड़ा जाता है कि जो वाईफाई को कनेक्टेड है उनको भी ऐड दिखाएगा। तो ये यूजुअली ऐसा होता है लोगों का, एडवर्टाइजर्स का मतलब माइंडसेट ऐसा होता है कि अगर कोई घरगुती प्रोडक्ट हो, मतलब होम रिलेटेड प्रोडक्ट हो, और कुछ औरतों को दिखाना हो जो घर के प्रोडक्ट, तो घर में रहते वाईफाई से कनेक्टेड रहते इसलिए उनको ऐड दिखाना है, तो तब वो ये ऑन रखते हैं, लेकिन इसको ऑफ ही रखना है यार, ठीक है। इसको ये ऐसे ही रहने देना, स्किपेबल एड्स आर इंक्लूडेड, बाकी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, ये कुछ भी काम की नहीं है अपने, ठीक है। और मुझे ज़्यादा समझती भी नहीं है जो है वो है, ठीक है। फिर ऑप्टिमाइजेशन एड डिलीवरी है, यहाँ पे ये अपन ने ऑलरेडी कन्वर्जन कैंपेन लेवल पर कर दिया तो उसको वैसे ही रखना है। कॉस्ट कंट्रोल को आप चेंज भी नहीं कर सकते, उसको वैसे ही रहने देना है। हाँ अभी ये पहले ये देख लेता हूँ, ये भी बताता हूँ आपको। इंप्रेशंस मतलब क्या, कि जैसे देखिए पर 1000 इंप्रेशंस अपने को फेसबुक चार्ज करता है, ठीक है, पर 1000 इंप्रेशंस। अब इंप्रेशंस मतलब क्या, आप फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में हो, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हो, और आपके सामने से एक ऐड ऐसी, बस आपने स्क्रॉल किया लेकिन वो ऐड चली गई आपको, मतलब देख आपके आँखों के सामने से चलेगी, वो होगा एक इंप्रेशन, ठीक है। इस तरह और समझ लो कि अगर से आया और उसको ऐड देखी, वो वहाँ पर रुका, उसने कुछ इंटरेक्ट किया, तो वो होगा दो इंप्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से दो इंप्रेशंस हो गए, एक तो स्क्रॉलिंग वाला हो गया, तो इसको इंप्रेशंस बोलते हैं कि आपको ऐड कितने बार दिखी। पर 1000 इंप्रेशन आपको फेसबुक चार्ज करेगा, CPM भी नाम की एक चीज़ होती है, वो भी मैं आपको अंदर बताऊंगा। सो उस हिसाब से आपको फेसबुक चार्ज करता है इंप्रेशन के हिसाब से। इंप्रेशन मतलब क्या, कि एक बार जब ऐड दिख गई तो वो एक इंप्रेशन हो गया, दूसरे पर्सन को और ऐड दिखे एक बार तो अभी वो दो इंप्रेशन हो गए, एक और दो, एक से दो हो गए, ठीक है। तो इंप्रेशन का मतलब हो गया। अभी कन्वर्जन विंडो, इसमें बहुत लोगों का होता है कि वन डे रखे या फिर सेवन डेज आफ्टर क्लिकिंग, वन डे आफ्टर क्लिकिंग, इसको यूजुअली सेवन डेज आफ्टर क्लिकिंग और वन डे आफ्टर क्लिकिंग आफ्टर व्यूइंग रखना है। तो इसका मैं अभी मीनिंग बताता हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझने के लिए, ठीक है। सेवन डेज आफ्टर क्लिकिंग एंड मतलब क्या, ठीक है, वो बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आज एक रोहित नाम का बंदा आपकी वेबसाइट पे आया, उसने आज आपसे एक चीज़ खरीदी, ठीक है, आज ही खरीदी, तो वो क्या होगा कि वो जो कैंपेन है उसके जो ऑप्टिमाइजेशन है वो और रोहित ढूंढने के ट्राई करेगा फेसबुक आपका, ठीक है। वो कैंपेन जो है और रोहित के टाइप के बंदे ढूंढने की कोशिश करेगा फेसबुक पे, ठीक है। तो वो हो गया क्योंकि वो उसी दिन आया, उसी दिन उसने परचेस किया, या फिर वो अगर से उसी दिन आया और उसने 7 दिन में भी परचेस कर लिया आपके पास से, तो भी फेसबुक क्या करेगा, उसको कंसिडरेशन में लेगा और उस तरह के बंदे और रोहित के जैसे और पर्सन ढूंढने की वो ट्राई करेगा, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल आपने इसको सिर्फ वन डे आफ्टर क्लिकिंग रखा, ठीक है, तो क्या होगा, वन डे रखा, अब रोहित वेबसाइट पे आया, उसने आज खरीदा,
अब दो दिन बाद वो वापस वेबसाइट पर आया और उसमें दो दिन बाद वो प्रोडक्ट खरीदा, उसी दिन नहीं खरीदा, वन डे में नहीं खरीदा, वो दो दिन बाद आया, मतलब तीसरे दिन आया, ठीक है। तो अभी क्या होगा कि वो फेसबुक जो है वो उस सेल को, मतलब वो सेल तो दिख जाएगा आपको, लेकिन वो उसको ऑप्टिमाइजेशन में उसको कंसिडर नहीं करेंगे, वो और रोहित ढूंढने का ट्राई नहीं करेंगे, वो अभी नया ऑडियंस ही ढूंढने का ट्राई करेंगे, ठीक है। तो ये मीनिंग होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप और अदर वीडियोस देख लेना यार, इस कन्वर्जन विंडो पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको हमेशा 7 डेज आफ्टर क्लिकिंग और ये 1 डे आफ्टर व्यूइंग ही रखना है, ठीक है। अभी मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, यहाँ पे आपको देखिए एक बार ऑडियंस दिख जाती है, ठीक है, इसको नेक्स्ट करते हैं। और एडसेट का नाम जो देना होता है, जैसे एडसेट था अपना पिछले इसमें, तो अभी एडसेट का नाम, जैसे मैंने हेयर स्ट्रेटनिंग इंटरेस्ट डाला था तो मैं वही डाल देता हूँ, ठीक है, मैं हमेशा ऐसे ही डालता हूँ मेरे एडसेट का नाम। फिर ऐड में आप जो भी आप देना हो नाम वो दे सकते हो। यहाँ से आपको आपका ये पेज सिलेक्ट करना होगा, मैंने रितो सर के जैसे एक बीच में ट्राई किया था, तो ठीक है आपको पेज सिलेक्ट करना होगा यहाँ से। उसके बाद में यहाँ से आप इंस्टाग्राम अकाउंट भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, आपका अगर इंस्टाग्राम अकाउंट हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं हो तो सिर्फ पेज सिलेक्ट करके छोड़ देना, वो ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम पर भी ऐड दिखाएगा, कोई उसकी टेंशन नहीं है। फिर क्रिएट ऐड का ही रहने देना है, यहाँ पे अपने को सिंगल इमेज और वीडियो रहने देना है, और यहाँ से आपको ऐड मीडिया करके, जैसे ऐड मीडिया करो तो ऐड वीडियो में जाके आपको आपका वीडियो यहाँ से अपलोड करना होगा, वो यहाँ पर वीडियो लोड होके यहाँ पर आपको उसका प्रीव्यू दिख जाएगा, ठीक है। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल आपकी एक वीडियो डाल के दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया, देखिए मैंने एग्जांपल तो हेयर स्ट्रेटनर का देखा, लेकिन मेरे पास कोई हेयर स्ट्रेटनर का ऐड अवेलेबल है नहीं, वीडियो अवेलेबल है नहीं, तो मैंने मेरा वो चिप्सर का ही एक वीडियो डाल दिया है, सिर्फ एग्जांपल के लिए है, ठीक है। आपको हेयर स्ट्रेटनर अगर से यूज़ करो तो हेयर स्ट्रेटनर का वीडियो डालना होगा यार, ऐसा मत करना, ठीक है। सो अभी मैं बताता हूँ आपको, वीडियो जो है वो आपको facebook.com पे अपने प्रोफाइल में वैसे सर्च में चले जाओगे आप, तो कुछ भी वो प्रोडक्ट का नेम डालोगे तो आपको वहाँ से वीडियोज़ मिल जाएंगे, उसको थोड़ा एडिट वेडिट करके इस तरह से आपको डाल देना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप इसका थंबनेल भी चेंज कर सकते हो, ठीक है, थंबनेल हमेशा चेंज करना है, थंबनेल में आपको कोई ज़्यादा टेक्स्ट डालना नहीं है। तो एडिट मीडिया पे जब आप क्लिक करो, एडिट वीडियो पे जब आप क्लिक करो, तो यहाँ पे थंबनेल में से आप मैन्युअली थंबनेल डाल सकते हो, ठीक है। थंबनेल ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी CPM हाई हो जाएगा आपका। और एक ट्राई, ठीक है बाद में बताऊँगा एक चीज़, तो अभी ये ट्राई करना कि यहाँ पे आपको टेक्स्ट ना हो, थंबनेल सिंपल रखना है, एक दो वर्ड्स हो तो ठीक है, लेकिन सिंपल ही रखना है, इतना ऐसा कुछ नहीं रखना है, ओके, थंबनेल सेपरेटली बना लेना। फिर प्राइमरी टेक्स्ट क्या होता है, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल कट वर्ड यूज़ नहीं करना, नहीं तो बैन कर देगा यार, चॉप एंड स्लाइस इन सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालते हो तो यहाँ पे वो टेक्स्ट दिखता है, लोगों को ऐड में यहाँ पे स्पॉन्सर दिखता है और यहाँ पे वो टेक्स्ट दिखता है, ठीक है। अब हेडलाइन जो होता है वो एक सेकंड में बता दो, सबसे पहले अपना URL डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आपका URL डालना होगा, ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी के लिए डाल देता हूँ परफेक्ट पिक, ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे डाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा ये नहीं डालना है, एक सेकंड, ये क्या हो गया, परफेक्ट पिक कर रहा हूँ भाई, .in, ठीक है। सो वो अभी जब भी कोई यहाँ पे क्लिक करेगा इस बटन पे, इस बटन को भी चेंज करना है अपन, इसको हमेशा शॉप नाउ रखते हैं, ठीक है, शॉप नाउ रखना है इसको, और यहाँ पे परफेक्ट, यहाँ पे अपने को ये नहीं डालना है, अपने को अपने प्रोडक्ट पेज पे जाना है, जो प्रोडक्ट का आप ऐड लगा रहे हो वहाँ से उसका लिंक कॉपी करना है और वो यहाँ पे डालना है, और एक बार उसका प्रीव्यू देख लेना है, ठीक है। तो वो जो लिंक है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, और यहाँ पे जब भी कोई क्लिक करेंगे शॉप नाउ पे तो वो अपने प्रोडक्ट पेज पे चले जाएगा, ठीक है, उसका मीनिंग ये होता है। साथ ही साथ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो अभी देखिए, पहले हेडलाइन बता देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अपन हेयर स्ट्रेटनर डाल देते हैं, हेयर स्ट्रेटनर प्रोडक्ट का नाम डालना है यहाँ पे यूजुअली अपने को, तो यहाँ पे दिखेगा, अभी देखिए यहाँ पे दिख गया। फिर डिस्क्रिप्शन और डाल सकते हो, जैसे 50% ऑफ डाल दिया, तो वो देखिए उसके नीचे दिखेगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से ये अपना ऐड होता है, एडसेट लेवल पे अपन ये वीडियोस और ये सारा प्राइमरी टेक्स्ट वगैरह चीज़ें डालते हैं, ऐड लेवल पे, एडसेट लेवल पे अपन वो इंटरेस्ट वगैरह डालते हैं जो मैंने बता दिया, और यहाँ पे अपन वो कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन का अपना बजट सिलेक्ट करते हैं और नेम देते हैं कैंपेन का, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती है। यहाँ पे साथ ही साथ आपको फेसबुक पिक्सल को टिक करके रखना है, ये ऑलरेडी टिक्ड होता है लेकिन करके रखना है, और यहाँ पे वो आपका पिक्सल ऑटोमेटिकली ले लेंगे, इसका टेंशन मत लेना, अभी मेरा एक्टिव नहीं इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है, और वो वहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा या फिर रेड रहेगा, ठीक है। और उसको सिंपल जब आप पब्लिश कर दोगे, पब्लिश करने के बाद में जैसे ही पब्लिश कर दोगे तो आपका ऐड जो है वो रिव्यू में जाएगा, इसको मैं अभी कैंसिल करता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। यहाँ पे सेटअप एरर आने वाला है, एक बार कैंपेन में जाता हूँ, इसको कैट करता हूँ, ठीक है।
यहाँ से देख लेना कि यहाँ पे टुडे सिलेक्टेड हो आपका, ओके। और यहाँ से जब जैसे आप उसको पब्लिश कर दो तो यहाँ पे आपका ऐड दिखेगा, यहाँ पे आपको इन रिव्यू दिखेगा, मतलब फेसबुक की जो टीम है वो पहले, या फिर फेसबुक का जो बॉट है, जो भी बॉट होता है, जो भी होता है, वो पहले चेक करेगा कि वो सब सारी चीज़ें ठीक है या नहीं, या फिर उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एड्स नहीं करना चाहिए, कुछ अगर से फेसबुक की पॉलिसी अगर से वायलेट हो रही है तो वो उसको ऐड को रिव्यू करने के बाद में रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। तो वो रिव्यू में जाएगा और जल्दी ही आधे घंटे के अंदर ही आपका एक्टिव हो जाता है ऐड, ठीक है। उसके बाद में वो एक्टिव यहाँ पर दिखाएंगा और आपका ऐड चल पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है पूरा फेसबुक एड्स। मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बता दी है कि एक एक चीज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ें मैंने समझा दी है। एग्जाम्पल थोड़ा लड़खड़ा गया उसमें, ठीक है, एग्जाम्पल हेयर स्ट्रेटनर का लिया लेकिन वीडियो अपन ने उसका डाला, तो ठीक है चलता है। लेकिन अभी मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ उसमें मैं मेरी खुद की स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूँ कि मैं किस तरह से ऐड करता हूँ, मैं किस तरह से स्केल करता हूँ, वो अपने एपिसोड 17 में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया, ये टॉपिक इसलिए बनाया क्योंकि आप समझ सको, बिगनर भी समझ सको कि फेसबुक एड्स का पैनल किस तरह से दिखता है और सारी चीज़ें क्या क्या होती है, ठीक है। इसलिए मैंने ये बना लिया, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मेरी स्ट्रेटेजी शेयर कर लूंगा, ठीक है, आपके साथ में। और इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, अगर से आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करो, और वीडियो अगर से पसंद आया तो प्लीज यार लाइक जरूर करना एंड कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। एंड यस, इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।